हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कुछ शाइन लाइनर्स। ऑब्वियसली ये महंगे नहीं हैं, मैंने ये लोकल स्टोर से ही ख़रीदे थे। कुछ आई थिंक 15 या 20 रुपए से ज़्यादा नहीं है ये, तो आप देख सकते हैं ये मैंने परचेज़ किया था। इस पर तो इसका तो प्रिंट है वो भी निकल गया है। ये है मार्लिन वाटरप्रूफ आई लाइनर और यहाँ इसका जो पीछे का जो प्रिंट है वो भी निकल गया है। इसकी प्रोडक्ट क्वान्टिटी है 6 ml की प्रोडक्ट क्वांटिटी है इसकी, आप देख सकते हैं। तो मैंने इसके काफ़ी सारे कलर्स ख़रीद लिए थे। तो वैसे शाइन लाइनर्स इतने इस्तेमाल में नहीं आते जितने ब्लैक आते हैं, तो इसीलिए मैं शाइन लाइनर्स में ज़्यादा पैसे मैं खर्च करना पसंद नहीं करती, इसीलिए मैंने लोकल स्टोर से ही ख़रीद लिए थे। और शेड बहुत ही ब्यूटीफुल है सभी, और मैं काफ़ी टाइम से इन्हें इस्तेमाल भी कर रही हूँ। और ऐसा नहीं कि ये बहुत जल्दी निकल जाते हैं, काफ़ी अच्छी तरह से सेट हो जाते हैं। आप देख सकते हैं ये वाला शेड तो बहुत ही ब्यूटीफुल है, आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा है। सस्ते हैं ये, पर अगर आप बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते हो, हाँ जो लोग डेली इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादा बाहर जाते हैं, तो उनके लिए सही है कि वो कोई महंगे लाइनर में भी खर्च करे तो उन्हें वैसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। पर मैं ज़्यादा शाइन लाइनर इस्तेमाल नहीं करती, तो इसीलिए मैंने लोकल स्टोर से ही ख़रीद लिए थे। आप देख सकते हैं ये वाला शेड भी बहुत ब्यूटीफुल है, और थोड़ा टाइम लगता है इन्हें ड्राई होने में, लेकिन एक बार जब ये ड्राई हो जाते हैं ना तो फिर ये जल्दी निकलते नहीं हैं, बहुत अच्छी तरह से सेट हो जाते हैं। तो मुझे तो ये बहुत ही अच्छे लगते हैं, ज़्यादा पैसे भी आपके खर्च नहीं होते और आपको एक अच्छा भी प्रोडक्ट मिल जा रहा है। तो लोकल मार्केट में आपको मिल जाएगी, आई थिंक 15 से 20 रुपए के आसपास ही मिला था मुझे एक, मुझे तो याद भी नहीं इसका प्राइस, मैंने काफ़ी टाइम पहले ही इसे परचेज़ किया था। और कलर्स इनमें बहुत ही अच्छे अच्छे थे, तो अगर आप नहीं इन्वेस्ट करना चाहते हो कोई कलर लाइनर्स में, तो आप कोई सस्ता सा लाइनर भी ख़रीद सकते हो। और ब्लैक आईलाइनर लगाने के बाद ना आप बिल्कुल लैशेस के पास में अगर छोटी सी लाइन लोगे इसकी, तो बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है वो। और ये वाला कलर भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, एक ये फर्स्ट और एक ये दोनों ही ब्लू बहुत अच्छे लगते हैं, वो पीकॉक ब्लू बहुत ब्यूटीफुल है, देख सकते हैं। ये वाला शेड भी बहुत अच्छा है, मतलब थोड़े से ये टाइम लेते हैं सूखने के लिए, पर एक बार जब ये सूख जाते हैं ना तो बहुत अच्छी तरह से सेट हो जाते हैं आइस पर। कलर्स इनमें बहुत ही अच्छे अच्छे हैं, और भी बहुत सारे कलर्स थे पर मैंने इनके कुछ ही कलर्स लिए थे और यही मुझे अभी तक चल रहे हैं। आप देख सकते हैं सभी बहुत अच्छे हैं। मुझे लगता है कि कलर लाइनर्स में इतने पैसे इन्वेस्ट करना ठीक नहीं लगता मुझे, इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि जो चीज़ मैं लोकल स्टोर से परचेस करूँ तो मैं यहीं से परचेस कर लेती हूँ, ज़्यादा कोई महंगे ब्रांड्स में मैं नहीं जाती। लैक्मे वगैरह के तो बहुत ज़्यादा महंगे हैं भाई, मैं तो कलर लाइनर्स में बिल्कुल भी पैसे खर्च नहीं करती अपने। तो बहुत ही अच्छे लाइनर्स हैं, मुझे काफ़ी पसंद आए, तो मेरे पास थे ये कुछ लाइनर्स, तो इसीलिए मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। आप देख सकते हैं अच्छी पिगमेंटेशन है इनकी, पर ये फर्स्ट वाला तो बहुत ही अच्छा है, ये पीकॉक ब्लू जैसा है। जो वैसे तो सभी शेड्स बहुत अच्छे हैं, पर मुझे ये वाला जो फर्स्ट वाला शेड है ये बहुत ही अच्छा लगता है मुझे। तो इस तरह से भी आप ट्राई कर सकते हो कि लोकल स्टोर से कोई अच्छे से कोई शेड्स ख़रीद लें, तो वो आपको काफ़ी टाइम तक चल भी जाते हैं और आपके ज़्यादा पैसे भी खर्च नहीं होते। 15 से 20 रुपए में ही मिल गए थे मुझे तो ये, तो आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो। इतने सारे हैं कि मैं तो इनको ज़्यादातर यूज़ भी नहीं करती, कुछ ही लाइनर से मैं इस्तेमाल करती हूँ। तो 200-300 रुपए के आते हैं वैसे भी कोई, अगर आप ब्रांडेड लोगे तो। और इसमें ना अजीब सी फ्रेग्रेंस भी नहीं आती, अच्छी फ्रेग्रेंस है इसकी। तो ये मेरे पास कुछ लाइनर्स थे जो कि मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर करूँ। तो ये था मेरा आज का छोटा सा वीडियो, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आप और भी किसी प्रोडक्ट का रिव्यू देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, मैं आपके साथ जल्दी से जल्दी उस प्रोडक्ट का रिव्यू शेयर करूँगी। तो ये था मेरा आज का वीडियो, आई होप कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो, पसंद आया तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप मेरे चैनल पर और भी बहुत सारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स के रिव्यूज़ देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।